वो कहती है जब भी मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो रास्ते में एक होमलेस आदमी बैठा रहता है, तकरीबन 50 साल का होता है, और वो कहती है मेरा दिल करता है कि मैं इसकी इसको कोई मदद कर ले, कभी कभी ये भी दिल करता है मैं उसको तबलीग के लिए छोटी छोटी पैम्फलेट्स दे दे, या मैं उससे पूछूँ कि तुम क्यों होमलेस है, क्या काउंसिल ने आपकी मदद नहीं किया, तो वो पूछती क्या आजकल ये करना चाहिए, इस तरह ऐसे लोगों से रब्ता करना चाहिए? करनी चाहिए ज़रूर, कोई भी शक नहीं, उनसे हमदर्दी करें, उनकी मदद करें, उनको जो पैसे अगर दे सकती हैं खैरात तो खैरात भी दे दें। बाद लोग उठ के फिर खैरात लेकर शराब खाने में चले जाते हैं, तो इसलिए इंसान कहता है कि इसको क्या खैरात देनी है, मगर इससे गर्ज नहीं है, बेशक वो जो मर्जी खर्च करें आपकी तरफ से तो सदका ही हो जाएगा। तो उसको कुछ खाने के लिए भी दे सकते हैं या देना चाहिए? क्या चीज़? कुछ खाने के लिए बना कर कर दे दें। दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हसुहत के साथ तस्मन मिर्ची ना ज़्यादा डालना, लोग मिर्चों की आदत नहीं है। लतीफ़ा है आपके पास? हाँ सुनाए। हुज़ूर, एक औरत की वफ़ात पर बहुत सारे लोग उसके घर के आगे जमा होते हैं और बहुत लंबी लाइन मर्दों की लगी होती है और सड़क तक, तो एक आदमी गुजरता है और पूछता है कि ये तो बहुत ही नेक औरत होगी जो इतने ज़्यादा लोग इसके जनाजे में आए, कैसे फौत हुई थी बेचारी? तो एक आदमी कहता है कि इसको एक कुत्ते ने काटा था। तो कहता है ये कुत्ता मुझे भी मिल सकता है? तो कहता है आपका क्या ख्याल है, सारे ये जो लाइन लगी है उसी कुत्ते के इंतज़ार में। अब भी वो करवा जाते हैं। एक लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। एक मरासी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में एक जनाजा देखा, उस पर औरतें ववेला कर रही थी बहुत पीट पीट के, और जैसा उनकी उनका दस्तूर है वो कह रही थी हाय एनु किथे लै चल ले जिथे न दीवा ना पानी बत्ती, दीवा ना बत्ती, हाय एनु किथे लै चले जितना दाना ना पानी, हाय इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ना दिया है ना बत्ती है, ना दाना है वहाँ ना पानी है, कहाँ इसको उठा के ले जा रहे हैं? तो मरासी के बेटे ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा इसको हमारे घर ले जा रहे हैं।